गाइस, मैं हूं मेघराज और आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि किस प्रकार हम अपने नेट की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। जी हां दोस्तों, अगर आपकी नेट की स्पीड स्लो चल रही है या आपका नेट चल नहीं पा रहा है किसी भी कारणवश, आपके इलाके में नेटवर्क कम आ रहे हैं या आपका नेट किसी अदर कारण से आपका नेटवर्क नहीं चल रहा है, तो इस वीडियो में मैंने आपको कुछ ऐसी सेटिंग्स बताई है जो मोबाइल की सेटिंग जिन सेटिंग का आप यूज करके अपने नेट की स्पीड को आप इंक्रीज कर सकते हो। अगर आपके नेट ढंग से नहीं चल पा रहा है तो आप इस वीडियो को पूरा वॉच करें, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि किस प्रकार आप अपने नेट की स्पीड को इंक्रीज करेंगे, अपनी नेट की स्पीड को हम बढ़ाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया है कि मेरी नेट की स्पीड क्या है। दोस्तों, मेरे नेट की स्पीड लगभग 10-10.5 एमबीपीएस डाउनलोडिंग स्पीड है और 16 एमबीपीएस तक अपलोडिंग स्पीड है। अगर आप किसी भी चीज को अपलोड करते हो तो 16 एमबीपीएस यानी एक सेकंड में 16 एमबी आपकी अपलोडिंग स्पीड है और डाउनलोडिंग स्पीड 10 एमबीपीएस तक की हो सकती है, जो मैंने इस वीडियो में आपको प्रोसेस यानी प्रूफ के साथ आपको बताया है। जी हाँ दोस्तों, मैंने साथ ही आपको प्रूफ भी बताया है कि मेरी स्पीड क्या है और आप भी अपनी स्पीड किस टाइप से इतनी कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखना चाहते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। बट पहले जो फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ फ्रेंड्स कि प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जैसे ही हम न्यू वीडियोस डालेंगे उसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंच जाएगी। और बहुत जिससे पहले मैंने एक वीडियो डाली थी इंटरनेट की स्पीड के ऊपर, तो उस पर जो फ्रेंड ने हमें सब्सक्राइब करा है और उन फ्रेंड ने हमें कमेंट करा है, उनकी रिक्वायरमेंट पे मैंने ये वीडियो आपको बताया है कि किस प्रकार हम अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। अगर आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इस वीडियो को लाइक करते हैं और एक शेयर करते हैं, तो आपका जो भी कमेंट आएगा आपके कमेंट का जवाब सबसे पहले दिया जाएगा और साथ ही आपके कमेंट पर हम वीडियो बनाकर आपको अच्छी तरह से समझा भी देंगे। तो दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें और साथ ही आप हमारे चैनल पर लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, सर्वर फाइंड कर रहा है, मैं गो पे क्लिक करता हूँ, देखता हूँ सर्वर फाइंड होता है या नहीं। सर्वर फाइंड होने के बाद मैं आपको बताने वाला हूँ कि मेरी नेट की स्पीड क्या है। अभी सर्वर कनेक्शन चल रहा है दोस्तों, वही सिम नंबर फर्स्ट है मेरी, तो यह सिम देखिए आ गया bharatiairtel.com आ चुका है। अब मेरी अपलोडिंग स्पीड डाउनलोडिंग स्पीड दिखा रहा है कितनी है। तो देखिए दोस्तों, कितनी तेज स्पीड हो चुकी है मेरी डाउनलोडिंग की, लगभग 10 एमबीपीएस तक मेरी डाउनलोडिंग स्पीड हो चुकी है, ये देखिए। और मेरी अपलोडिंग स्पीड 16 एमबीपीएस तक की अपलोडिंग स्पीड है दोस्तों, देखिए। देखिए 16.40 यानी 16.40 एमबीपीएस तक मेरी अपलोडिंग स्पीड है और 10.5 मेरी डाउनलोडिंग स्पीड है। तो इस प्रकार आप भी अपनी डाउनलोडिंग और अपलोडिंग स्पीड को बढ़ा सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ये कोई आप देख लीजिए, कोई नेटवर्क नहीं चल रहा और एयरटेल की सिम है सिम नंबर फर्स्ट, सिम फर्स्ट की जो मेरी स्पीड है वो देख सकते हैं आप 10.5 16.4। तो आप भी इसी प्रकार अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं, अपनी नेटवर्क स्पीड को आप इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आप भी आपकी नेटवर्क स्पीड को इंक्रीज करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। तो थैंक यू। हेलो दोस्तों, मैं हूं मेघराज और आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि किस प्रकार हम अपने एयरटेल की सिम या फिर अदर अगर आपकी सिम हो तो आप किस प्रकार इंटरनेट की स्पीड को अपग्रेड कर सकते हैं। दोस्तों, मेरे पास कमेंट आए हैं कि हमारी एयरटेल की सिम है और हमारी एयरटेल की सिम में हमारा इंटरनेट नहीं चल रहा है। दोस्तों, अगर आपकी एयरटेल के अलावा जियो या अदर सिम हो तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी, ये वाली वीडियो दोस्तों, ये ऊपर जो वीडियो आपको दिख रही है इंटरनेट नहीं चल रहा तो ये सेटिंग कर लो, चाहे इंटरनेट नेटवर्क हो या नहीं आपका इंटरनेट रॉकेट की तरह चलेगा। तो ये वाली वीडियो जैसे मैंने बनाई थी, तो इस वीडियो पर कमेंट आए कि हमारी एयरटेल की सिम है तो एयरटेल की सिम का प्रोसेस बताओ। इसमें मैंने जियो की सिम का और बाकी अदर सिम का प्रोसेस मैंने इस वीडियो में बताया हुआ है, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपकी एयरटेल की सिम है तो एयरटेल की सिम के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूं, लेकिन आपकी अदर सिम है तो आप इस वीडियो को जरूर देखें, आपको आई बटन पर क्लिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं।
साथ ही आपको टिकटॉक से रिलेटेड कोई क्वेरीज है कि आपके टिकटॉक पर फैन नहीं बढ़ रहे हैं, तो आप ये टिकटॉक वाली वीडियो जरूर देखें, क्योंकि इसमें मैंने बताया है कि टिकटॉक के फैंस को आप किस प्रकार अपग्रेड कर सकते हो। अगर आपके टिकटॉक के फैंस नहीं बढ़ रहे हैं तो आप इस वीडियो को देख के अपने टिकटॉक के फैंस को बढ़ा सकते हो, अपने टिकटॉक के फॉलोअर्स आप इंक्रीज कर सकते हो। तो दोस्तों इस पोस्ट में मैंने बहुत इजीली स्टेप में बताया है। अगर आपका नेटवर्क मोबाइल धीमा चलता है तो आप ये वीडियो देख सकते हो, ये वाली, इसमें मैंने बताया है कि आप अपनी रैम को किस प्रकार अपग्रेड करोगे। और साथ ही आप अदर वीडियोज़ भी आप हमारी इन वीडियोज़ को देख सकते हो। आपको अगर वॉच खरीदनी हो, स्मार्ट वॉच जो कि लोअर प्राइस है, 1000 रुपये के लमसम आ जाएगी, 800-900 रुपये की स्मार्ट वॉच है, अगर आप भी स्मार्ट वॉच परचेज करना चाहते हो 1000 रुपये तक के, तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। इस वीडियो में मैंने 1000 रुपये तक की स्मार्ट वॉच का रिव्यू करके आपको बताया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले दोस्तों, अगर आपका इंटरनेट नहीं चल रहा है तो आप मेरी पहले तो वो वाली वीडियो ज़रूर देख लें। फिर भी आपका इंटरनेट नहीं चलता है तो आपको करना क्या है, अपने सेटिंग ऑप्शन में जाना है और अपने नेटवर्क सेटिंग में जाना है। नेटवर्क सेटिंग में जाने के बाद आपको मोबाइल नेटवर्क में जाना है। मोबाइल नेटवर्क में आपको एक्सेस पॉइंट पर क्लिक करना है। अगर आपकी जियो की सिम है तो आप जियो की सिम सेलेक्ट करें, आपकी एयरटेल की सिम है तो आप एयरटेल की सिम सेलेक्ट करें। लेकिन इस पोस्ट में, इस वीडियो में मैं आपको केवल एयरटेल की सिम के बारे में आज बताने वाला हूँ। जियो की सिम के बारे में अदर पहले वाली वीडियोज में बता चुका हूँ। अगर आपको एयरटेल के बारे में जानकारी जाननी है तो आप ज़रूर देख लें वो वाली वीडियोस में। मैं जियो और अदर सभी प्रोसेस में वो वाली वीडियोस काम आएगी। अगर आपकी उस ट्रिक के जरिए अगर आपका इंटरनेट नहीं चल रहा है तो आप ये वाली ट्रिक को यूज करें। लेकिन अगर आपका उस ट्रिक के जरिए इंटरनेट चल जाता है तो ये ट्रिक यूज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, क्योंकि हमारे पास कमेंट आ रहे थे कि आप एयरटेल का बताओ, एयरटेल का बताओ, तो मैं एयरटेल के ऊपर आज वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको एयरटेल के जो प्रॉक्सी सेटिंग को ऑन करना है। प्रॉक्सी सेटिंग कुछ इस प्रकार दिखाई देगी। अब प्रॉक्सी सेटिंग में आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको एक्सेस पॉइंट में आपको प्रॉक्सी डालना है। प्रॉक्सी क्या डालना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। प्रॉक्सी डालनी है आपको 0.0.0.0 0.0.0.0, 4 बार 0, 3 बार पॉइंट डाल के आप इसे सेव कर ले। इसके बाद दोस्तों आपको डालना है पोर्ट। पोर्ट क्या डालना है, पोर्ट डालना है 8080। ओके, प्रॉक्सी सेटिंग और पोर्ट डालने के बाद आपको यहाँ सर्वर डालना है। सर्वर भी 0.0.0.0 ये डालने के बाद आप इसे सेव कर दें। आपको यहाँ पर, अगर आपके यहाँ पर IPv4 सेलेक्ट है तो इसे IPv4 और IPv6 सेलेक्ट कर लें, क्योंकि IPv4 और IPv6, जहाँ आपका IPv4 नेटवर्क आएगा तो वहाँ IPv4 नेटवर्क यूज होगा, जहाँ आपका IPv6 नेटवर्क आएगा आपका वहाँ IPv6 नेटवर्क यूज होगा। आप ऐसा करने के बाद आप इसे सेव कर दें और सेव करने के बाद आपका इंटरनेट धुआंधार चलेगा। देखिए दोस्तों, मैं अपना इंटरनेट पहले तो एयरटेल से कनेक्ट कर लेता हूँ सिम नंबर फर्स्ट से, और इसके बाद में देखिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ मेरा नेटवर्क स्पीड को। यहाँ से हमने हमारा कनेक्शन ऑन करने वाले हैं, नेटवर्क कनेक्शन। सिम मैनेजर में जाइए आप और यहाँ से देखिए एयरटेल की सिम, 1 नंबर की जो सिम है एयरटेल की, तो एयरटेल की सिम हमने कनेक्ट कर रखी है। इसके बाद हमने हमारा इंटरनेट ऑन कर लिया है। इंटरनेट ऑन करने के बाद आप कोई सा भी टेस्टर यूज कर लें। मैं स्पीड टेस्टर यूज कर रहा हूँ। स्पीड टेस्टर के जरिए मैं आपको बताने वाला हूँ कि मेरी स्पीड क्या है नेटवर्क की। ये सबसे पहले सर्वर फाइंड कर रहा है और सर्वर फाइंड करने के बाद हमारी नेट की स्पीड ये बताने वाला है। तो सर्वर फाइंड हो जाने दें, इसके बाद मैं नेट की स्पीड आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों सर्वर फाइंड कर रहा है, मैं गो पर क्लिक करता हूँ, देखता हूँ सर्वर फाइंड होता है या नहीं। सर्वर फाइंड होने के बाद मैं आपको बताने वाला हूँ कि मेरी नेट की स्पीड क्या है। अभी सर्वर कनेक्शन चल रहा है दोस्तों, वही सिम नंबर फर्स्ट है मेरी। तो यह सिम देखिए आ गया, bharatiyaairtel.com आ चुका है। अब मेरी अपलोडिंग स्पीड, डाउनलोडिंग स्पीड दिखा रहा है कितनी है। तो देखिए दोस्तों कितनी तेज स्पीड हो चुकी है मेरी डाउनलोडिंग की, लगभग 10 Mbps तक मेरी डाउनलोडिंग स्पीड हो चुकी है, ये देखिए। और मेरी अपलोडिंग स्पीड 16 Mbps तक की अपलोडिंग स्पीड है दोस्तों, देखिए।
देखिए 16.40 यानी 16.40 Mbps तक मेरी अपलोडिंग स्पीड है और 10.5 मेरी डाउनलोडिंग स्पीड है। तो इस प्रकार आप भी अपनी डाउनलोडिंग और अपलोडिंग स्पीड को बढ़ा सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ये कोई आप देख लीजिए कोई नेटवर्क नहीं चल रहा और एयरटेल की सिम है सिम फर्स्ट की जो मेरी स्पीड है वो देख सकते हैं आप 10.5 16.4। तो आप भी इसी प्रकार अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं, अपनी नेटवर्क स्पीड को आप इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आप भी आपकी नेटवर्क स्पीड को इंक्रीज करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। तो थैंक यू वॉचिंग इन दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।